सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है सभी नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं डेप्लॉय यूगो वेबसाइट विद क्लाउड बिल्ट एंड फायरबेस पाइपलाइन का। तो पासवर्ड को ऐसे कॉपी करना, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना, यूजर नेम जो है आपका लिखा आ जाएगा, आप नॉर्मली एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर दबा देना, देन इसके बाद जो है आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना, आपका जो काम है वो वाला कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्लाउड कॉन्सोल जो है वो ओपन हो जाएगा बिना किसी इश्यू के। ठीक है, अब आई अंडरस्टैंड काफी बार पूछता है, काफी बार नहीं पूछता है, तो मेरे केस में इस बार पूछा था, तो आपके केस में नहीं पूछा हो तो कोई इशू की बात नहीं है, उसको इग्नोर करना। ठीक है, आप क्लाउड कॉन्सोल पर डायरेक्टली मतलब ये पीछे वाली वेबसाइट पर इस पर आ जाओगे। इधर से आपको क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है। क्लाउड शेल एक्टिवेट हो रहा है तब तक आप क्या करो, कंप्यूट इंजन पर रीडायरेक्ट करो। रीडायरेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये लोड हो रहा है। इधर मेरा देखो एक्सटर्नल आईपी लिखा हुआ है, अगर आपका एक्सटर्नल आईपी नहीं दिख रहा हो आपको तो आपको इस तीन लाइनों पे क्लिक करना है, देन इधर से आपको नीचे स्क्रोल करना है। नीचे स्क्रोल करने के बाद एक्सटर्नल आईपी पर टिक लगा ना, इस पर क्लिक कर देना, आपका भी दिखने लग जाएगा। फिलहाल में हमें जो है ये परफेक्टली लोड नहीं हुआ है, मेरा देखो येलो कलर का ऑप्शन नहीं आया है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ नेट ऐप में, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये देखो आ गया। अब हमें जो है एसएसएस के एरो पे क्लिक करना है, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करना है, रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक कमांड आ जाएगी, एंटर प्रेस कर देना, देन ऑथोराइज पे आपको क्लिक कर देना है, ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे कैप्स लॉक ओपन कर लेना, कैपिटल वाई लिखना, एंटर प्रेस करना, दो बार एंटर प्रेस करना। ठीक है, ये जो है हमारा काम डन हो चुका है इस वेबसाइट के अंदर। फिलहाल मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, अगेन जो है हम जो है आराम से इसको बैक ले जाते हैं, सीधे सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या कोई रीजन है जोन की कमांड हमें दी गई है। सो ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है, ये सब आप स्किप कर सकते हो, सीधे इस पे आओ, इसको कॉपी करो, इधर आके जो है पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, देन अगेन आपको बैक आ जाना है, नीचे स्क्रोल करना है, इस पर्टिकुलर कमांड को हम कॉपी करेंगे, अगेन इधर आएंगे, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन जो है इधर आ जाना है, नीचे स्क्रोल करना है, इस पर्टिकुलर कमांड को हम कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे एंड इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारा टास्क वन का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली इधर आके जब आप चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे सो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्क्रोल करते इस पर्टिकुलर कमांड को हम कॉपी कर लेते, कॉपी करने के बाद जो है हम इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, सो ये जो काम है हमने डन कर लिया है, हमने डन करने का नीचे स्क्रोल कर लेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को भी कॉपी कर लेंगे, देन अगेन हम इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रोल करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी कर लेंगे, देन अगेन इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रोल करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम इधर आ जाएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये जो काम है हमने डन कर लिया है। अभी हमने डन करने के बाद जो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल सी भी प्रेस करना है, बट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए हमें नीचे स्क्रोल कर देना है, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना, अगेन इधर आना, अब इधर कंट्रोल सी अभी प्रेस नहीं करना है। ठीक है, आपको एक नया टैब ओपन करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ से एक्सटर्नल आईपी के पहले पहले वाला पार्ट रिमूव करना, मेक श्योर वो दो डॉट्स हटे ना, अगेन इधर आना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करना, यहाँ से आपको आपके एक्सटर्नल आईपी को जो है कॉपी कर लेना है, इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको मैं इधर आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो आपको जो है आपकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अगर ये ना दिखे तो पेज को रिस्टार्ट करना, यानी लैप को, तो आपको दिख जाएगी, और फिर भी ना दिखे तो एक बार जो है आप आगे बढ़ के ट्राई करना कि क्या ये कंप्लीट होती है। देन मैं कंट्रोल सी यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो देखो ये ऐसा आ जाएगा। देन हमें जो है बैक जाना है, नीचे स्क्रोल करना है, चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगेन एक बार मैं और चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, अगेन चेक में प्रोग्रेस पे हम क्लिक कर देते हैं एंड ये बोल रहा है कि प्लीज लॉन्च द साइट एट टीसीपी पोर्ट 8080। यार अगेन हमें क्या करना है, इस कमांड को कॉपी करना है, कमांड को कॉपी करने के पहले पहले इस कमांड को कॉपी कर लो यार। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, अगेन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, क्योंकि हमने शायद मतलब चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करने से पहले उसको हटा दिया। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये ओपन हो गया है। अब नॉर्मली आप बैक जाओ, नीचे स्क्रोल करो, अब आपको जो है क्या करना है, चेक माय प्रोग्रेस पर अब क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करने का बोला गया है। ठीक है, अब नॉर्मली आप आओ एंड फर्स्ट वाले टैब पे जाओ एंड अगेन कंट्रोल सी प्रेस कर देना। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगेन नीचे आते हैं, अब हमें एक फायरबेस प्रोजेक्ट को ऐड करना है, तो यार इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ एंड इनकॉग्निटो मोड में हम चले जाते हैं। एक हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट हम ओपन करने वाले इस पेज के अंदर, तो ये जो है ओपन हो गया है। इधर मैं ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इधर जो है मैं अपना प्रोजेक्ट आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको आपका कर लेना है, देन इन दोनों पे टिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ऐसा आ जाएगा कन्फर्म प्लान का ऑप्शन, तो मैं कन्फर्म प्लान पे क्लिक करता हूँ, इधर आ जाएंगे, इधर आपको नॉर्मली कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है हमें क्या बोला है कि अनेबल करना है कि हमें डिसेबल करना है इस चीज़ को, तो ये मैं देख लेता हूँ। आई कन्फर्म द बिजनेस जास्ट, ये सब हटा देना एंड यू में कन्फर्म द फायरबेस बिलिंग, ये भी हमने कर लिया। एक्नोलेज द क्राइटेरिया, ओके ओके ओके, नॉर्मली जो है आपको कंटिन्यू करते जाना है। ये मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, इधर आके जो है मैं इस पे जो है
आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू एड फायरबेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब है ना काफ़ी सारे लोगों का ये वाला पार्ट जो है ये फेल्ड हो सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका फेल्ड हो जाए तो भी आप लैब को ऑफ मत करना, आप आगे कंटिन्यू करना मेरे साथ, आपकी जो लैब है वो कंप्लीट हो जाएगी वो भी बिना किसी इशू के, ठीक है। सो मेरा इस केस में बन गया है बट देखो अब फेल हो चुका है। अब इसको छोड़ दो, कोई इशू की बात नहीं है, आगे आओ अगेन इस पेज पे, इधर आके जो है नीचे स्क्रॉल करना, इस पर्टिकुलर चीज को आपको कॉपी कर लेना है, इधर आ जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। सो ये जो हमने काम डन कर लिया, अगेन इधर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर चीज को जो है हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम अगेन इधर आ जाएंगे, इसे जो है एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट कमांड पेस्ट करना, एंटर दबा देना, उसके बाद जो है आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्या ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है इधर से, सो यहाँ से ये जो गेटअप वाला है ना इसको सिलेक्ट करना अपने माउस की से, ठीक है, ये जो है माउस नहीं सॉरी कीबोर्ड की से आपको सिलेक्ट करना है ये वाले को, और सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार प्रेस करना, यही बोला है ना, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ तो ठीक है, गेटअप वाला ही बोला ऑप्शनली, ठीक है। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है स्पेस बार दबा के, देन यूज एग्जिस्टिंग आईडी सिलेक्ट होना चाहिए, देन एंटर प्रेस कर देना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी प्रोजेक्ट आईडी सिलेक्टेड होनी चाहिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। अब बोला गया कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो पब्लिक डायरेक्टरी में, सो इसके लिए हमें क्या करने का बोला गया ये हम चेक कर लेते सबसे पहले। सो इसने बोला गया है कि आप जो है यूज एग्जिस्टिंग आईडी करो, देन यूज साइड बार, इस समय आपको बता दिया है फॉर द पब्लिक डायरेक्टरी सिलेक्ट द डिफॉल्ट वैल्यू पब्लिक, ठीक है यार, हमें पब्लिक ही सिलेक्ट करना है। सो हम जो है नॉर्मली क्या करेंगे, वाई लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, कैप्स लॉक ओपन करना है, एन लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है, देन अगेन आपको एन लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है। सो ये जो है ये हमारा काम जो है ये डन हो गया है, अगेन हमें बैक जाना है, बैक जाने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल कर देंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद जो इधर आ जाएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन हमें बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल कर देना है, इस पर्टिकुलर चीज को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जो है हमें इधर आ जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन अगेन बैक आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। सो ये जो है ये भी हमने डन कर लिया है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, एंड इधर आने के बाद जो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, देन अगेन इधर आ जाएंगे, इसको जो है पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन इधर आ जाएंगे, इसको डन करने के बाद आपको इसको रन करने की जरूरत नहीं, इसको स्किप कर दो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते सीधे इस कमांड को हमें कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो हम इधर आ जाएंगे, इधर आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल कर देंगे, इन दोनों को इग्नोर करना, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करना, इधर आ जाना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, देन अगेन आपको इधर आ जाना है, इस पर्टिकुलर चीज को जो है आपको कॉपी कर लेना है, ये जो है मैंने ध्यान से देखो कॉपी कर लेना है, आपको स्पेस नहीं देनी है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। देन आपको इधर आना है, एन ए एन ओ लिखना है, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, देन अगेन आपको इधर आ जाना है, इस पर्टिकुलर चीज में से आपको इस चीज को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको टाइटल को रिप्लेस करना है, तो नीचे स्क्रॉल करो एंड ये जो कॉमास लगे हैं ना इसके पहले पहले का पार्ट जो है अंदर का सब रिमूव कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक, एंड ये रिमूव हो गया तो मैं इसको लगा देता हूँ, एंड ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपका भी, कंट्रोल एक्स वाई एन एंटर, कंट्रोल एक्स वाई एन एंटर करके इसको सेव पे आपको क्लिक कर लेना है। अगेन हम बैक आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, देन हमें जो है इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन अगेन हमें बैक जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको स्किप कर देना, इस कमांड को कॉपी करना सीधे, देन अगेन इधर आ जाना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, देन अगेन आपको जो है बैक आ जाना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को इधर कॉपी करना है, इधर आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। सो ये ऑलमोस्ट हमारा सारा काम जो है ये डन हो जाएगा। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अभी चेक में प्रेस पे क्लिक करोगे तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अपडेट होने में मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 मिनट लेगा, ठीक है। सो इसे जो एक बार एग्जीक्यूट हो गया ही है, अब आपको क्या करना है, वेट करना है 3 से 4 मिनट, आपको कॉन्टिन्यूसली जो है चेक में प्रोसेस पे क्लिक करते रहना है, आपका जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपको फेस करने को नहीं लगेगा, एंड थोड़ी देर बाद जो इस पर आपको ग्रीन टिक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं कंटिन्यूसली चेक में प्रोसेस पे क्लिक करते रहा हूं, एंड देखते हैं ग्रीन टिक मिल गया है, देखो फाइनली ग्रीन टिक मिल गया है, तो अगेन नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस पे मैं चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देता हूं, एंड सब पे हमें पॉइंट मिलेगी नहीं ये मैं पता चल चुका है, तो मिल गए। सो आई होप वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।